एडी दूर तो लड़ पड़ी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। माशाल्लाह आज हम लोग अमृतसर आए थे, तो दोपहर जामा मस्जिद खैरुद्दीन में नमाज जुमा के बाद अभी खासा पहुँचे हुए हैं हमारे जुनैद भाई के आफिया किड स्कूल में माशाल्लाह। और शहाब कितुर साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जो केरला से मक्का के लिए पैदल हज के लिए चल रहे हैं और यहाँ आफिया किड स्कूल के अंदर रुके हुए हैं। आज की लाइव बस इसीलिए है, माशाल्लाह शहाब भाई बिल्कुल फिटफाट हैं और चलने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं और माशाल्लाह उनके जितने काम हैं मैंने जो अब तक सुना है उनसे उनके भाई साहब से, क्योंकि जो ज़ाती बातें हैं वो अभी मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन आज जितनी भी मैंने इत्तलात इनसे ली हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह दिसंबर में पूरी उम्मीद है कि शहाब भाई का सफ़र जो है अल्लाह ने चाहा वो जो शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे साथ साथ मैं ना सारे यूट्यूबर्स को बड़ी गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्यास राइयाँ ना लगाया करें, फेक न्यूज़ ना दिया करें और झूठ ना बोला करें। अपने ज़ाती कामों के लिए भी जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी ऊपर लिख देते हैं शहाब चतुर या और लोगों का नाम डाल के आप साथ में वीडियो बनाते हैं, तो लोगों को गलत खबर ना पहुँचाइए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेक न्यूज़ गलत बातें जो हैं वो पसंद नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे चैनल का फ़ायदा हो सकता हो, लेकिन अवाम में ये बात जानी बिल्कुल। शहाब भाई इंशाल्लाह हज पर जाएंगे अल्लाह ने चाहा और ये सफ़र जो है दोबारा शुरू भी होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं कि शायद वापस जा रहे हैं या कुछ ये करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लोग दोनों हुकूमतों के मुतालिक लिखते हैं कि ये लेटर चाहिए वो लेटर, सब जो है अफसानवी बातें। मतलब जब उनको हकीकत पता नहीं है तो वो गुफ्तगू क्यों करते हैं। और हाँ, मेरा आपसे ये ज़रूर वादा है इंशाल्लाह ये यहाँ से रवाना हो जाएं और मक्का मुकर्रमा जब पहुँच जाएंगे तो जिन जिन लोगों को किस्सा जाना सुनने की आरजू है कि इन दो महीनों में किस तरह वीज़ा लिया गया, किस तरह किन लोगों ने इसमें हमारी मदद की और कौन कौन लोग जो थे वो अम्बेसी तक जाते थे, वो इंशाल्लाह सारी बातें शहाब भाई खुद एक टाइम आएगा ये या मैं या जुनैद भाई कभी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे, ये सफ़र हो जाएगा तो ज़रूर बताएंगे। तो आप हजरात से मैं बस ये भी दुआ की तो दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन जो आज मुझे मालूमात हासिल हुई हैं दिल्ली से भी यहाँ आकर भी, तो उसके मुताबिक दिसंबर में एंड तक इंशाल्लाह ताला सफ़र जो है शुरू होने की मुकम्मल उम्मीद लगी हुई है। तो दुआ गो हूँ कि ये सफ़र जो है अच्छा रहे। एक बार फिर फेक न्यूज़ वालों से दरख्वास्त है कि कोई ऐसी गुफ्तगू है वो ना करें। शाहब भाई से भी गुजारिश है कि एक दो बातें आपको कह देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो मेरे लिए, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, सब ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आगे सफ़र के लिए आप भी दुआ करो। इंशाल्लाह हर वक्त मैं सब उम्मत के लिए, पूरा दुनिया हिंदुस्तान के लिए मैं भी दुआ करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हमारा जुनैद भाई। आप हाँ जुनैद भाई बोलिए कुछ। आज हमारे बड़े अजीज जनाब शाही इमाम साहब मौला उस्मान साहब तशरीफ़ लाए हैं, साथ में उनके मुश्तकीम साहब और पूरे उनके मौजिस मेहमान जो इस तरफ पहुँचे हैं। माशाल्लाह जो भी प्रेजेंट करंट अपडेट्स है उससे आप सबको उन्होंने रूबरू कराया और एक गुजारिश भी की है, ख़ासकर उन यूट्यूबर्स के लिए जो फेक न्यूज़ वगैरह जो है वो चला रहे हैं या अपनी मतलब जाति मुनाफ के लिए वो जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप जो है सही अपडेट्स अगर दे सकते हैं तो उसको अपडेट करिए, क्योंकि आपके साथ में बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो उनके इमोशंस के साथ में प्लीज ना खेलें। और ये वो सफर है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना फुल स्टॉप और कॉमा, कॉमा का मतलब होता है रोको मत जाने दो, तो सिर्फ ये जो वक्त था कॉमा लगा है, सफर अभी जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है अगला सफर जो है हम इसी तरह हम सभी साथी और माशाल्लाह पूरे और साथियों के साथ में इंशाल्लाह भाई को मौलाना साहब की प्रेजेंस में माशाल्लाह जो है हम लोग वाघा बॉर्डर तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।